सब जरा सुनने का क्षमता रखने के लिए बोलिए सर। सर 2000 इंग्लिश आई टेल यू या प्लीज लिसन विद सम पेशेंस सर, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। सर 2013-14 व्हाट वाज़ द प्रोडक्शन सर? प्रोडक्शन 567 मिलियन टन्स। आई एम स्पीकिंग ऑफ 900 मिलियन टन्स दिस ईयर, 1 बिलियन टन्स दिस कमिंग ईयर। सो व्हाट आर यू टॉकिंग मैन? सो प्लीज सर, प्रोडक्शन भारत देश में उत्पादन हुआ, इंपोर्ट करने का नेसेसिटी नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट करने को नहीं होगा, सिंपल इकोनॉमिक्स सर। ओ माय गॉड, समझ में नहीं आया सर? सुन लो ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कभी भी बोलते हैं प्राइवेट का इतना प्रोत्साहन दे रही हो, इनके पॉलिसी के द्वारा पब्लिक सेक्टर भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। आपको मालूम है कहां पहुंचा पब्लिक सेक्टर? अभी अयो प्लीज लिसन सर, पीएसयू कोल इंडिया प्रोडक्शन कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया। सर ये क्या हो रही है सर? ये क्या हो रही है सर? बैठिए, व्हाट इज गोइंग ऑन? प्लीज नो, प्लीज बैठिए सर, प्लीज बैठिए। आप लोग सुनो भाई, सुनो आदिर रंजन जी, प्लीज सुनो भाई, सुनो सर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया लिमिटेड 2013 से लेकर के 2013-14 से लेकर के आज तक 22-23 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके द्वारा जो हुआ 4.3 टाइम्स हुआ है उससे पहले के जमाने से तुलने में। So public sector undertaking is also prospering, is also additionally investing, is also producing. ये जितना भी चल रहा है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सर, ये झूठ झूठ क्या है सर? पार्लियामेंट्री है क्या? प्लीज रिमूव दैट, रिमूव एक्सपेंज करिए, ये झूठ क्या चीज है सर? आई गो टू द नेक्स्ट सर। आप लोग दूसरा एक और एग्जाम्पल करती हूँ सर, इनको सह नहीं पा रहे हैं कि इतना सच्चाई आ रही है उनके सरकार के कार्यकाल के ऊपर, इसीलिए इतना चिल्लाना, क्योंकि और उनके पूर्व अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, उनको इम्प्रेस करना है। मैडम हम डिफेंड कर रहे हैं हमारी पार्टी को, गलत बयान दे रहे हैं, झूठ झूठ उपयोग यही कर रहे सर। बैंक्स के कहानी में जरूर बोलना चाहती हूँ, बैंक्स के कहानी में जरूर बोलना चाहती हूँ, और इसमें व्हाइट पेपर में जितने भी है उसमें मैं एक विषय मानती हूं, एक चरित्र है कांग्रेस पार्टी का बैंकों के खिलवाड़ करने के लिए, चरित्र है दैट दे कॉन्स्टेंटली मिसयूज देयर पावर्स एंड प्ले विद द बैंक्स। नेशनलाइज हमने ही किया बोलते हैं, मगर मैं बोलती हूं तीन उदाहरण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1976 में श्री आर के तलवार जी होते थे एक चेयरमैन, बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड चेयरमैन था बैंक में, ठीक है सर? वो उनके इमरजेंसी के टाइम में, क्योंकि उनके पसंदीदा एक पार्टी को लोन नहीं दिया उसके कारण उनको सीबीआई के द्वारा इतना सताए, और के तलवार आपके तलवार एकदम इंटीग्रिटी के साथ क्लीन व्यक्ति था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहते थे, एकदम क्लीन एंड इंटीग्रिटी में हाई होने वाले इस व्यक्ति को, क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त को लोन नहीं दिया, उनको सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके फिर दे वांटेड टू समहाउ रिमूव हिम, हटा भी दिया उनको, क्योंकि नहीं ये नगरवाला नहीं है, ये एसबीआई का एक आर के तलवार का स्टोरी है 1976। उससे पहले
1950 का स्टोरी लीजिए, मुंद्रा स्कैम। उसमें हरिदास मुंद्रा जी ये कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसको उनके कंपनी में LIC के द्वारा लोन, LIC के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था। आई एम कमिंग मैडम, आई विल कम टू स्पीक ऑन द व्हाइट पेपर, ऑफ कोर्स आई विल डू। ठीक है सर, LIC इन्वेस्टमेंट कमिटी को इन्फ्लुएंस करके तब के 1950 में 1.26 करोड़ शेयर्स वो डूबरा कंपनी, डूबने वाले कंपनी में LIC के पैसा 1.26 करोड़ डलवा दिया। उसके कारण जब वो स्कैम बाहर आया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बना करके हटा दिया, टी कृष्णमाचार्य जी को बलि का बकरा हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, और उस ये चरित्र हम मन में रखना चाहिए, ये चरित्र कांग्रेस पार्टी का हम मन में रखना चाहिए। फिर मैं बोल रहे हैं सर, 2004 से लेकर 14 तक फोन बैंकिंग जो व्हाइट पेपर में भाग है उसमें अंग है, ये बाकी सब नहीं है व्हाइट पेपर के ऊपर बात करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, मैं बात कर रही हूं व्हाइट पेपर में। फोन बैंकिंग के ऊपर फोन घुमाओ लोन पाओ, यही था एडवर्टाइजमेंट UPA का, पेपर में नहीं आया मगर फोन घुमाओ लोन पाओ वही हुआ उस समय। सो सिफारिशों के सौगात, सिफारिशों के सौगात से ही NPA संकट शुरू हुआ। NPA के संकट उससे ही शुरू हुआ, और कोलैटरल भी नहीं था या आधा कोलैटरल दे करके पूरे लोन लिया। जब NPA को सुधारने के लिए हम जा रहे हैं, कोलैटरल लोन अगर 1 करोड़ का था, कोलैटरल 30 लाख तक भी नहीं था।